सबसे बड़े भरत महाराज थे। वो कह रहे हैं, मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला, जैसे पुरुष स्त्री का संग चाहता है, स्त्री पुरुष का संग चाहती है। भगवान कहते हैं शरीर इस काम के लिए नहीं मिला, तो फिर ये शरीर किस लिए मिला? और ऋषभ भगवान समझा रहे हैं, ये तो पशु पक्षी को भी उपलब्ध है, खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना। आप कृपया से विचार करो, एक छोटी सी चींटी है, इतना सा जीव है, पर उसके अंदर भी आत्मा है, जैसे मेरे शरीर में आत्मा है, हम सब के अंदर आत्मा है, चींटी के शरीर में भी आत्मा है। और वो आत्मा पता कितनी बड़ी है, ये भी शास्त्र बता रहा है, बाल सरका, उसका अग्रभाग, उसको 10,000 हिस्सों में बांटो, उसमें से एक हिस्सा आत्मा का है। कितनी सूक्ष्म है वो आत्मा, जरा विचार करो, वो छोटी सी आत्मा, पर वो परमात्मा का अंश है, हम सब परमात्मा के हैं। उस चींटी के शरीर में भी आत्मा है। अब इधर चींटी को पकड़ने का प्रयास करो, उसको पता लग जाएगा मेरे को पकड़ रहा है, इधर भागेगी, इधर भागेगी, पकड़ में नहीं आएगी। आपको पता कि चींटियों का समाज कितना व्यवस्थित है, सर्दियों में चींटियां जो है ना जमीन के अंदर रहती हैं, घर बना रखा है उन्होंने, उनकी भी रानी है जो सब प्रशासन करती है, अभी उनमें भी कार्यकर्ता हैं, जाओ कुछ खाने के लिए ढूंढ के लाओ। गर्मियों में चींटियां बाहर आ जाती हैं, खाने के लिए मिल जाएगा, पता लगेगा, वापस जाएगी, सब चींटियों को सूचित करेगी, पर मिल गया भंडार, लाइन बनाकर आ जाएंगी। देखो इतना सजीव है तो आत्मा ना, सब आएंगी वहां, शक्कर मिल गई या कुछ और मिल गया, खाएंगी, आपको थोड़ा साथ में ले जाएंगी। चींटियों का समाज बड़ा व्यवस्थित है, लेकिन मनुष्य शरीर में आकर के हम लोग इसी समाज को व्यवस्थित करने में लगे और हमने अपने आप को पुरुषोत्तम भगवान से नहीं जोड़ा, जो हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। तो हमने क्या किया, प्रह्लाद महाराज भागवत में बता रहे हैं, प्रह्लाद महाराज ने कब बताया, असुरकुल में प्रकट हुए प्रह्लाद महाराज, बाप उनका राक्षस हिरण्यकश्यपु, बड़ा शक्तिशाली राक्षस था। देवऋषि नारद जी महाराज की कृपा से प्रह्लाद महाराज भक्त बन गए, इतने महान भक्त बने जिन्हें कोई चिंता नहीं। मुझे तो चिंता हो जाती है, थोड़ा सा कष्ट अगर मेरे को लगे मैं उसमें घबरा जाता हूं, पर प्रह्लाद महाराज को आदेश दे दिया उसके पिता ने, इसको मार दो, क्यों, ये मेरे शत्रु भगवान विष्णु का भक्त बन गया है। लेकिन वो कितने बड़े भक्त हैं, और अपने गुरुदेव नारद जी की कृपा से इतने ज्ञानी हैं, उनकी शिक्षाएं पढ़ो तो
हमारी आंखें खुल जाती हैं। अभी प्रह्लाद महाराज के गुरु हैं शंड और अमरक, ये दोनों शुक्राचार्य के पुत्र हैं। शुक्राचार्य जो हैं वे असुरों के गुरु हैं, बृहस्पति जी सुरों के गुरु हैं, देवताओं के गुरु, असुरों के भी गुरु होते हैं। तो शंड और अमरक प्रह्लाद जी को और बाकी असुर बालकों को शिक्षा देते हैं। असुरों की क्या शिक्षा होती है? असुरों की शिक्षा ये है, खूब खाओ, खूब पियो, खूब मजा करो, खूब बुरे कर्म करो, ये असुरों की शिक्षा है। असुरों के यहां कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है। आज जो शिक्षा हो रही है ना, ये असुरों की शिक्षा है। कृपया इस बात पर ध्यान दो, प्रभुपाद जी जैसे महान संत समझा रहे हैं। आजकल के स्कूल कॉलेज क्या है? गुरु महाराज कहते हैं ये कसाई खाने हैं। क्यों? बच्चा अच्छा भला घर से जाएगा, मां बाप थोड़े उसको बुराइयां सिखाते हैं, स्कूल से गुंडा बदमाश बन के आएगा। बोलो मैं गलत तो नहीं कह रहा? जवाब दो, गुंडा बदमाश बन के आएगा। ये आसुरी शिक्षा है। पहले क्या शिक्षा थी? पहले शिक्षा थी कि बच्चे को गुरुकुल में भेज दिया जाता था। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन धान्ति गुरु हितम। तो ब्रह्मचारी को गुरुकुल में भेजा जाता था, जैसे हमारे भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न राजा के बेटे थे, गुरुकुल में गए पढ़ने। हमारे भगवान कृष्ण गुरुकुल में गए पढ़ने के लिए। गुरुकुल में क्या शिक्षा? कि गुरु के हित के लिए कार्य करना। और उनको गुरुकुल में आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता था। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, आज के स्कूल कॉलेजों में बताओ कहां आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है? हमारे विमूड शासनकर्ताओं ने ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान खत्म कर दिया, और जो थोड़ा बहुत बचा उसको खत्म करने में लगे हुए हैं। इससे हमारा कल्याण नहीं होगा, इससे हमारा मंगल नहीं होगा। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, गीता के 9वें अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने क्या कहा? अर्जुन, ये ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावागम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अभ्यम। हे अर्जुन, मैं जो ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूं, इस सारी विद्याओं का राजा है। इस सारी विद्याओं का राजा क्यों? राज विद्या, इसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, कृपया साहब इस बात की ओर ध्यान दो, आत्मा और परमात्मा को केवल इस शरीर में समझा जा सकता है। पशु पक्षी शरीर में हम आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। पर क्या पशु को खाने की अकल नहीं है? सोने की अकल नहीं है? क्या उसकी संतान नहीं है? क्या वो अपनी रक्षा नहीं करता? सब करते हैं। चींटी इतना तो जीव भी करता है, बड़े व्यवस्थित हैं। अभी आप देखो, जो पीले रंग का ततैया जैसे कहते हैं, आपकी भाषा में उसको तुमुड़ी कहते हैं, ततैया जो है उसने घर बना रखा है, जाके पकड़ने को सारे अटैक कर देंगे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, भाई ये खा जाएंगे हमको। ये छोटे जीवों में भी है, पर मनुष्य शरीर में केवल एक ही बात कि हम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान करें।
अगर हम मनुष्य शरीर में आकर के आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त करते तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, ये मनुष्य व्यर्थ में हो गया। तो प्रहलाद महाराज वो एक असुर कुल में सुर पैदा हुए नारद जी महाराज की कृपा से। प्रहलाद महाराज बड़े महान भक्त हैं, तो वो जैसे ही शंड और अमरक उनके क्लासरूम से बाहर गए तो प्रहलाद महाराज सबको कीर्तन करवाते थे, जो कलियुग का धर्म है, कली कालेर धर्म नाम संकीर्तन, और आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देते थे। प्रहलाद महाराज की आयु 5 वर्ष है केवल। तो प्रहलाद महाराज के असुर सहपाठी कहते थे, प्रहलाद हम ये तो हमारा समय पढ़ने का है, कृपया आप सब माताएं भाई लोग ध्यान दें, हम भगवत भक्ति करेंगे जब हम लोग वृद्ध हो जाएंगे, और आज असुर है ना, वो असुरों के बालक हैं, और हम लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। जब कभी हम प्रचार के लिए किसी नवयुवक को कहते हैं, वही जवाब देता है, ये माना कोई भजन करने का समय थोड़ा है, खाने पीने का मजा करने का समय है। तो प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, नहीं, कौमार आचार्य प्राज्ञो धर्मान भागवतन ही दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ही ध्रुवमर्थदम। प्रहलाद महाराज कहते हैं, नहीं, ये जो शरीर है ना हमारा, जैसे पशु पक्षी का शरीर नश्वर है, ये भी नश्वर है। पर ये नश्वर होने पर भी अर्थपूर्ण है, ये व्यर्थ नहीं। ये शरीर नश्वर होने पर भी अर्थपूर्ण इसलिए है, इसके द्वारा हम लोग परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं, इसके द्वारा हम लोग अपने घर को यानी कि वैकुंठ लोक को जा सकते हैं। इसलिए हमें भक्ति 5 साल की अवस्था से करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के तो थे जब उनके लिए दिव्य अवतार हुआ था नृसिंह देव का। बड़े प्रेम से बोलो, नृसिंह देव भगवान की। आवाज बड़ी ढीली आपकी, बोलो भक्ति विघ्न विनाशक नृसिंह देव भगवान की। बोलो भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, एक 5 वर्ष का बालक इतना भक्ति में दृढ़ हो गया, उसको मृत्यु की चिंता नहीं, कष्टों की चिंता नहीं। तो हिरण्यकश्यपु ने बड़ा प्रयास किया कि ये भक्ति को छोड़ दे, आसुरी प्रवृत्ति ऐसे ही है। अभी भी जैसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग प्रयास कर रहे हैं, लोग भक्त ना बने, लोग भगवान का नाम ना लें, बड़ा प्रचार हो रहा है। जो असुर हैं, असुर कौन है, असुरों के सर पर सींग नहीं है खाली, सींगों वाले भी असुर होते थे, पर असुर कौन है, जो भगवान से विमुख है, जो पुरुषोत्तम भगवान को नहीं मानता। उसकी मान्यता क्या है, खाना पीना सोना और मजा करना, ये आसुरी प्रवृत्ति है। तो हिरण्यकश्यपु ने देखा कि ये तो मेरे शत्रु विष्णु का भक्त बन गया, पर समझाने का प्रयास किया, शंड और अमरको को कहा, तुम क्या शिक्षा दे रहे, कहते हो महाराज हम ये शिक्षा नहीं दे रहे इसको। हिरण्यकश्यपु का बड़ा आंतक था, ये पतन कहां से सीख के आ गया, हम तो उसको
वही सिखाते हैं जो आपका आदेश हमें है। हम इसको भौतिक शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, सुनता ही नहीं कुछ भी। बड़ा प्रयास किया, आखिर आदेश दे भाई ये नहीं सुनेगा, ये मेरे शत्रु का भक्त बन गया है, विष्णु मेरा शत्रु है। असुरों के शत्रु जो है ना वो विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान है। अभी देखो जब कृष्ण प्रकट हुए तो कितने असुर कितना मारने का प्रयास किया भगवान को, मामा ही शत्रु बना हुआ है कंस, कितने राक्षस भेजे, आखिरी समय तक वो प्रयास में लगा रहा। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, हम सब प्रहलाद जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना करें, जैसे आपकी भक्ति दृढ़ थी ऐसी मेरी भक्ति भी दृढ़ हो जाए। मैं किसी हालत में भगवान को ना छोड़ूं, मेरे शरीर के कोई टुकड़े कर दे मैं हरि सिमरन ना छोड़ूं, यही जीवन की सफलता है। लेकिन हम मूर्ख जीव, थोड़ा सा कष्ट अगर हमको लगता है हम भगवान को भूल जाते हैं। मैं इस बात को भूल जाता हूं, ये जो कष्ट मेरे को लग रहे हैं ये मेरे ही बोए हुए बीज हैं। जैसे नारद जी कहते हैं ना कि नारद जी के बड़े सुंदर शब्द हैं, भक्तों ने भजनबद्ध किया है कि कुटुंब कबीला बेटा बेटी सब अपने कर्मों की खेती। तेरा तो कुटुंब है या तेरा बेटा बेटी है, तेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, तेरे ही कर्म है। कल हमने आपको कथा सुनाई थी ना कि उसने मार दिया था अपने पार्टनर को और वो आया बेटा बन के हिसाब बराबर करके चलता बना। उसने कहा मैं वही हूं जिसे तूने जहर देकर मार दिया था। और कहा है कि करनी भरनी आपकी ना माई की ना बाप की। और भगवान कहते हैं, अर्जुन को बता रहे हैं, गहना कर्मनो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, बहुत गहन है। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, जब तक मेरा यह देह है शरीर है, मेरा बस यही प्रयास होना चाहिए कि मैं पुरुषोत्तम भगवान की शरण में कैसे आऊं। बाकी सारी बातें व्यर्थ हैं। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा कि 5 वर्ष की अवस्था से हमें भक्ति प्रारंभ करनी चाहिए। वही हमारी संस्कृति थी जिसे असुर प्रवृत्ति के लोग समाप्त करने में लगे हुए हैं। असुरों ने तो वैसा काम करने के, क्योंकि वो है ही ऐसे। लेकिन जो अपना कल्याण चाहते हैं, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी दिव्य संस्कृति को, सनातन संस्कृति को, अपने भाव और भक्ति को बनाए रखने का प्रयास करें।